Hello students, so today we will continue our chapter, that is seeds and seeds. The next part in this chapter is, that is, how many types of seeds can you collect? So this is, in this part what is they have said is that कितनी तरह की seeds जो हैं आप collect कर सकते हो, उनको आपको collect करना है और उनको differentiate करना है on the basis of size, कलर, टेक्सचर्स के बेसिस पे. ठीक है, इनको डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग करना है, और किस तरह से अलग करना है ये आपको एक एग्जांपल यहाँ पे समझा रखा है फॉर राजमा, कि आपने अगर एक राजमा की सीड ली तो उसका कलर क्या होता है, उसकी शेप क्या है और उसका टेक्सचर क्या है. टेक्सचर मतलब उसको टच करेंगे तो वो कैसा होगा. ठीक है, एंड रिलेटेड टू दिस देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, दैट इज कि क्या आपने इसमें एन सीड या सौंफ की क्यूमिन रखी, which is the smallest seed and which is the biggest seed. So these answers can vary from your children, child to child, because आपने क्या collection की that may be different. अभी फिलहाल के लिए हम कर देते हैं कि yes, क्योंकि हमारे house में जो available seeds होती हैं, and seeds, सौंफ सबके घर में होती है, जीरा सबके घर में होता है. अब smallest seed कौन सी होती है, again this cumin seed is the smallest जो हमारी collection में हम मान रहे हैं, otherwise कोई और भी हो सकती है. और बिगेस्ट कौन सी है बेटा, इन दिनों सीजन है मैंगोज का, तो हम कह लेते हैं कि बिगेस्ट जो हमारी कलेक्शन में है दैट इज ऑफ मैंगो. नेक्स्ट है बेटा, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आंसर आप करो यहाँ से फ्रॉम योर लिस्ट, यू कैन आंसर इट फ्रॉम वट एवर यू नो. ठीक है, सीड दैट आर यूज एज स्पाइसेस एट होम, कौन से सीड्स को स्पाइसेस में यूज करते हो बेटा, इट कुड बी एनी. सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्यूमिन, अगर आपको इसमें लिखना है, या फिर आप लिख लेते हो सौंफ. ठीक है, या फिर आप लिख लेते हो इसमें मस्टर्ड. ठीक है, ये आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी डिफरेंट टू फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन. द नेक्स्ट वन इज सीड्स ऑफ अ वेजिटेबल. वेजिटेबल की कौन सी सीड, देखो बेटा किसमें होता है, लेडी फिंगर में सीड्स होती हैं, लेडी फिंगर हो गई. ठीक है, लेडी फिंगर, देन जो आपके कैप्सिकम होता है उसमें भी आपकी सीड्स होती हैं, देर कुड बी पम्पकिन और सम अदर एज वेल. देन हम नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा, द नेक्स्ट वन इज सीड्स ऑफ अ फ्रूट. अब फ्रूट में तो आपको बहुत से नाम आते हैं, फ्रूट किसकी, आपके सीड. अब इन दिनों जो सीजन में है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मैंगो की सीड्स. ठीक है, देन पपाया कैन ऑल्सो बी देयर, और एनी अदर जो भी आपको याद आ रहा है यू कैन राइट दैट ऑल्सो, पपाया हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज विच इज द लाइट सीड. लाइट सीड से यहाँ पे मतलब है द लाइट वन विच इज इन, इतनी हल्की है कि वो उड़ सकती है. तो लाइट सीड बेटा जितनी भी छोटी छोटी हैं, दैट इज ऑफ क्यूमिन है आपका. ठीक है, वो उड़ जाएगा, या फिर जो आपकी कैप्सिकम की सीड है वो भी बहुत छोटी सी होती है, वो भी अगर हवा लगे तो वो उड़ जाएंगी. सो आपका इसमें आंसर डिफरेंट हो सकता है. अभी मैं आपको सिर्फ टू एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. नेक्स्ट वन इज द विच इज फ्लैट. फ्लैट मतलब जो टच करने में फ्लैट है, तो मैंने आप इसमें आप लिख सकते हो दैट इज पल्सिस जो भी हैं आपकी, वो फ्लैट होती हैं, पल्सिस हो गया. ठीक है, जो आपकी स्पाइसेस हैं उसमें से भी जो सीड्स हैं वो भी फ्लैट होती हैं. क्लियर, और कोई और आपको एग्जाम्पल आता है तो आप वो भी लिख सकते हो. और इसमें आप पर्टिकुलर ये भी कर सकते हो कि आप इसमें सिर्फ एक लिख रहे हो, दैट इज आपने इसमें मूंग लिख दिया, या आपने इसमें जीरा लिख दिया. ठीक है, दैट कुड बी योर आंसर इन एनी फॉर्म. नेक्स्ट वन इज मेक, ये जो पार्ट है ये आपके समझने के लिए बेटा, मेक मोर ग्रुप्स. हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. सो और कौन से ग्रुप्स हम बना सकते हैं बेटा, तो ऊपर जो हमने लिखा उसी में से हम कर सकते हैं, दैट दे कुड बी, किस तरह के हम इनको ग्रुप्स में फॉर्म करेंगे, दैट कुड बी फर्स्ट वन हम कह सकते हैं कि कुछ सीड्स जो होती हैं एडिबल होती हैं, कुछ जो है नॉन एडिबल होंगी. ठीक है, कुछ सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक मस्टर्ड को यूज़ करते हैं. और कुछ होती हैं जो फ्लोट करती हैं ऑन वाटर, या फिर वो फ्लोट करती हैं फ्लोट इन एयर. ठीक है, ये हमारे क्या है, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किस चीज़ को, सीड्स को, कि सीड्स जो है कितनी वैरायटी की हो सकती है, या फिर कुछ सीड्स ऐसी हैं जो स्टिक करती हैं विद द स्टिक टू द एनिमल्स. क्लियर,
ये सब चीज़ें जो हैं ये हम इसमें लिख सकते हैं कि इस तरह की हमने कुछ वैरायटीज हैं जो हमारे जो है हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स के लिए कह सकते हैं. क्लियर एवरीवन टिल नाउ? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर वंडरिंग सीड. द वर्ड इज वंडरिंग मीन्स टू मूव, टू रोम अराउंड हेयर एंड देयर. ठीक है, जैसे आपको क्लास में बोलते हैं स्टॉप वंडरिंग हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर जाना बंद कर दो. सिमिलरली इज द केस फॉर द वंडरिंग सीड्स, मतलब सीड्स का इधर उधर जाना, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे. प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स एंड दे रीच वाइड प्लेसेस. लुक एट द पिक्चर. तो इसमें आपको बोला है कि हम ये जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्री है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, बट इसकी जो सीड्स होती हैं, प्लांट की जो सीड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. और कैसे जाती हैं हम उसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस पिक्चर, पिक्चर नंबर वन एंड पिक्चर नंबर टू. तो पिक्चर वन है बेटा, इसमें देखो हमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, रेशे दिख रहे हैं, रुई की तरह दिख रहा है. ये आप अपने अराउंड सराउंडिंग में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. इनको हम बोलते हैं बुढ़िया के बाल, आप जो भी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं दैट कुड बी द आंसर एज वेल. ठीक है, तो ये इतनी हल्की होती हैं कि हवा के फूक मारने से उड़ जाएंगे. द सेकेंड पिक्चर जो यहाँ पे है बेटा, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके ऊपर ये जो आगे आपको दिख रहे हैं दे हैव हुक्स. हुक्स का मतलब ऐसे आगे गया और एक हुक बना हुआ है. ठीक है, पॉइंटिंग एंड, पॉइंटिंग एंड हुक फॉर्मेशन. इससे क्या होता है, ये जो हुक्स फॉर्मेशन है ये हमारे ह्यूमन बींग के क्लोथ्स पर या एनिमल्स की बॉडी पर स्टिक कर जाते हैं और उस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. इसी के बेसिस पर आपको आगे यहाँ क्वेश्चन पूछे गए, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, वट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया. तो ये बात कर रहे हैं हम इस वक्त पिक्चर वन की, कि क्या आपने कोई ऐसी सीड देखी है जो उड़ती है. तो हम बोलेंगे यस देखी है. कौन सी? ये वाली देखी है. और इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैंने अभी आपको बताया, इसको हम बोलते हैं बुढ़िया के बाल इन लोकल लैंग्वेज. ठीक है, बुढ़िया के बाल, ये हम इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं. क्लियर दिस मच? नेक्स्ट है आपका, लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज हैव कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग. तो आपने जो भी कलेक्शन किया उसमें से आप देख के बताओ कि कौन कौन सी सीड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं. अब आपको बोला गया है लुक एट पिक्चर टू, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई बट कैन स्टिल. अब आपको बोला दूसरी पिक्चर में देखो, इसमें लिखा है कि दूसरी पिक्चर में देखो, और अब आप उसको बोलोगे कि वो उड़ तो सकती नहीं है पर फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जाती है, विद द हेल्प ऑफ एन एनिमल, कोई एनिमल के साथ लग जाएगी तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाएगी. ठीक है, अब आपको नीचे पढ़ने के लिए बोला गया है रीड एन आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेंस्ट्रल. तो वेलक्रो बनाने का आइडिया जो है जॉर्ज मेंस्ट्रल के पास कैसे आया था उसके बारे में आपको. यस स्टूडेंट, सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द डिस्कवरी ऑफ वेलक्रो हैव बीन डन. वेलक्रो क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थ्रेड, नायलॉन थ्रेड विच इज़ यूज टू जॉइन द क्लोथ्स और अदर थिंग्स. ठीक है, नायलॉन का एक धागा जो जोड़ने के काम आता है, दिस इज कॉल्ड वेलक्रो. सो हाउ इस वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज मेंस्ट्रल, वी विल रीड इट आउट नाउ. दिस हैपेंड इन 1948. वन डे जॉर्ज मेंस्ट्रल केम बैक फ्रॉम वॉक विद हिज डॉग. ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर. So one day when George Menstrual came back after a walk with his dog, he found that some of the thing is sticking to his clothes and to the dog's fur also. ठीक है, उसने कुछ चिपकी हुई चीज़ें देखी जो उसके कपड़ों पर भी थी और उसके डॉग के फर पर भी थी. He wondered what made them stick. So he observed these under the microscope. He saw these seeds have many tiny hooks which got stuck to the clothes fur. This gave menstrual the idea of making velcro. तो जब उसने उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, ऐसे तो जो माइक्रोस्कोप है ऐसी डिवाइस होती है जो छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देखने में हेल्प करती है. ठीक है, तो उसने जब उस चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि ये जो उसकी सीड्स थी उसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे उसमें हुक बने हुए थे. हुक एक तरीके से क्लैंप जो उसके साथ किसी के साथ चिपकने में, किसी के साथ अटैच होने में हेल्प करता है. इससे उसको आइडिया आया किसका बनाने का, वेलक्रो. ही मेड अ मटीरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक. तो उसने एक ऐसा मटीरियल बनाया
जिसके साथ कुछ छोटे छोटे हुक्स लगे हुए थे। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टूगेदर मैनी थिंग्स, और फिर उसका यूज़ कहाँ होने लगा, टू अटैच या टू स्टिक मैनी थिंग्स लाइक क्लोथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट, मैनी मोर थिंग्स। दिस वॉज द वे दैट हाउ ही टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। इसमें से हमारे को सीखने वाली बात क्या है, दैट एवरीथिंग अराउंड अस हैज समथिंग और अदर टू टेल अस टू लर्न समथिंग, कि हम छोटी से छोटी चीज़ से भी कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं, हमारे आसपास जो भी हो रहा है हम उसे लर्न कर सकते हैं। जैसे इसने लर्न किया कि कैसे एक जो सीड है जो गलती से उनके कपड़ों के साथ लग गई थी, और उससे उसने एक नई इन्वेंशन कर दी, दैट इज़ मेड अ वेलक्रो। ठीक है, नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच द डिफरेंट प्लेसेस। तो आपको बोला गया है दैट पिक्चर को देखो और फिर सोचो, गेस करो कि एक जगह से दूसरी जगह सीड्स कैसे पहुंचती हैं। तो पहले हम पिक्चर्स को ऑब्जर्व कर लें बेटा। देन हियर वी कैन सी दैट ये स्क्विरल जो है सीड को लेके जा रही है, बर्ड सीड को लेके जा रहा है, और यहाँ पे पानी जो है सीड को लेके जा रही है। सो दिस फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट सीड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स और विद वाटर। एंड ऑल्सो वट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन प्रीवियस लेक्चर दैट द सीड्स ऑल्सो मूव विद द हेल्प ऑफ एयर। ठीक है, एयर, विंड, ये भी है। तो हमारे पास फोर एजेंट्स कौन से हो गए, एनिमल, बर्ड्स, वाटर एंड एयर। नाउ वी विल रीड इट आउट फर्दर। इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, दैट इज सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट, हैव यू एवर हर्ड दिस साउंड। तो आपको इसके ऊपर वालों के अलावा कुछ बताया है इन्होंने कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे सोयाबीन जो फलियों के प्लांट होता है, उसमें क्या होता है जब वो राइप हो जाते हैं, पोड्स, सोयाबीन पोड्स मतलब जो फलियां हैं जब वो राइप हो जाती है पूरी तरह से पक जाती हैं, देन दे बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है एक तरीके से फट जाना, द सीड्स आर थ्रोन आउट, जब कोई चीज़ फटती है एकदम से आप बैलून को फाड़ोगे उस बैलून के अंदर सीड्स है तो वो दूर उछल के गिरती हैं। वैसे ही जब ये पॉड्स या जो सोयाबीन्स फलियां जो हैं जब नेचुरल वे से पक जाती हैं, फटती हैं, तो इनकी जो सीड्स हैं वो दूर दूर जाकर गिरती हैं। और क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी इसकी साउंड सुनने की कोशिश की है, कभी आपके सामने हुआ, आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। थिंक वट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस। फिर आपसे बोला जा रहा है कि सोचो अगर सीड्स जो हैं स्प्रेड ना हों, ठीक है, एनिमल, बर्ड, पानी, वाटर या फिर खुद जो बस्टिंग से होती हैं उससे भी ना हो और एक ही जगह पे गिर जाएं, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा, द मेन थिंग व्हाट विल हैपन विल बी दैट द प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। नाउ व्हाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज जब प्लांट जो है एक ही जगह पे गिरेगा तो उस एक जगह पे हर एक प्लांट को जो है खाने के लिए एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स सब अवेलेबल नहीं होंगे, और जब सारे प्लांट्स को वो अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी देन सम ऑफ द प्लांट्स विल डाई ड्यू टू नॉन न्यूट्रिशन, जो उनको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, फूड रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो फुलफिल नहीं होगी तो वो मर जाएगा। ये किसी आदमी के साथ भी हो सकता है, जब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जने रहने शुरू हो जाए तब भी सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस हो जाता है कि जिसको खाना मिला, जिसने अपनी उस कंडीशन में सर्वाइव किया वो तो ज़िंदा रहेगा, बाकी मर जाएगा। यही चीज़ सीड्स और प्लांट्स के साथ भी होंगे, अगर सीड्स एक ही जगह पे गिर जाएंगी तो क्या होगा कि वहाँ एक ही जगह पे सारे प्लांट्स लगेंगे। अब एक जगह पे एक ही पॉइंट पर 10 प्लांट्स तो लग नहीं सकते, इट मीन्स उनमें से कोई एक जिंदा रहेगा और बाकी सारे मर जाएंगे। अब आपसे नेक्स्ट बोला जा रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच स्प्रेड विच सीड्स आर स्प्रेड। तो लिस्ट हमने कौन सी बनानी है, ये जो अभी हमने किया बेटा ऊपर, दैट डिफरेंट वेज क्या क्या है, द डिफरेंट वेज ऑफ स्प्रेडिंग इज एनिमल, बर्ड, एयर एंड वाटर। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है तो यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हो, दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ स्प्रेडिंग द सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज एनिमल, देन बर्ड्स, देन वाटर, वाटर के बाद था एयर या विंड, और लास्ट में क्या था, दैट वाज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बस्टिंग। ठीक है, बर्स्ट अगर हो जाए सीड्स, एक्सप्लोजन, अगर आपको नहीं भी लिखना देन ऑल्सो यू कैन राइट द फर्स्ट फोर, देन ऑल्सो द आंसर विल बी करेक्ट। सो दीज आर द कंडीशन, दीज आर द मैथड्स और वेज बाय विच
द सीड्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब इसमें भी अगर आपसे फर्दर एक्सप्लेनेशन पूछी जाए तो कैसे जाते हैं ये, हाउ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस कुड बी एनिमल्स के साथ, वो एनिमल्स उसको या तो सीड को खा रहे हैं और दूसरी जगह फेंक रहे हैं, या उनकी बॉडी के साथ स्टिक करके जा रहा है. बर्ड्स दे ईट द फ्रूट पार्ट एंड सीड्स आर थ्रोन हियर एंड देयर, या उन्होंने आधा फ्रूट खाया और आधा उनके बीच में कहीं फेंक दिया. वाटर से जो पानी में उसकी सीड्स गिरी हैं या कई बार हमने फेंक दिया, वो भी पानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है. सिमिलर इज़ फॉर विंड एंड बस्ट, जो हमने अभी पढ़ा कि जब वो पूरी तरह से राइप हो जाएगा, वो फटेगा तो सीड्स का जो है डिस्पर्सल होगा. दैट इज़ वंडरिंग ऑफ द सीड्स, जो हमने अभी टॉपिक लिया था, दैट वॉज वंडरिंग. वंडरिंग मतलब movement from one place to another. This wandering of the seeds with the help of animal, birds, water, wind is called dispersal of seed. I'm repeating it, beta. What is dispersal of seed? What is wandering of seed? The movement or the spreading of the seeds from one place to another is called dispersal of seed. You can make it more clear that the spreading of the seeds from one place to another with the help of animal, birds, water, wind is called dispersal of seed. This is the definition of wandering seeds or the dispersal of seeds. Now, next part is who came from where, ki kaun kahan se aaya hai. देखो बेटा, हम लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ पैदा हुए, यहीं पे रहते थे, पर कुछ अगर हम दादा दादी से बात करें तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो कहीं साउथ में रहते थे, हम तो राजस्थान में रहते थे, ये तो दादों की नौकरी यहाँ पे थी इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए, हम जम्मू आ गए, या हमारे पेरेंट्स कहीं और साउथ में रहते थे, कर्नाटका में रहते थे, काम करने के सिलसिले में हम चंडीगढ़ आ गए और फिर यहीं पे रह गए, यहीं पे हमने अपना घर बना लिया. दिस इज कि हम कहाँ पे थे और कहाँ रहने लगे. तो सीड्स प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है कि इनके जो जन्म है, एक्चुअल में इनकी ग्रोथ कहाँ से पैदा होते हैं और ये फिर कहाँ आकर के रहने लगते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम वेयर दे कम. ये हम पढ़ेंगे. हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग ऑल्सो इन योर लिस्ट, कि क्या आपने ह्यूमन बींग को भी लिस्ट में इंक्लूड किया था. कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं बेटा? इस वाली लिस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें कैसे ह्यूमन बींग को आगे पीछे. तो हम कहेंगे यस. क्यों यस कह रहे हैं बेटा? बिकॉज ह्यूमन बींग्स हम भी तो हैं. कहीं मैंगो रास्ते में खा रहे हैं, बीच रास्ते में मैंगो को गुठली को फेंक देंगे, उसकी सीड को फेंक देंगे तो मैंगो प्लांट वहाँ लग जाएगा. सिमिलरली हमारे क्लोथ्स के साथ कई बार जो हमने बोला लंब है या जिसके साथ हुक्स लगे होते हैं सीड्स के साथ, वो हमारे कपड़ों के साथ लग करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. सो वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स. वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंग और अनोइंगली. नोइंग और अनोइंगली मीन्स जाने अनजाने हम भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं, कभी अटैचमेंट स्टिकिंग के फॉर्म में, या फिर कभी खाया और कहीं इधर उधर फेंक दिया. वी ब्रिंग सीड्स ऑफ द प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल. अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हु केम फ्रॉम वेयर. तो हम क्या करते हैं, हम उन सीड्स को अपने घर लेकर आ जाते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं. टू ग्रो देम इन आर गार्डन. क्यों लाते हैं? ताकि हम उनको अपने गार्डन में ग्रो कर सकें. लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू द अदर प्लेसेस. और उसके बाद क्या होता है? हो सकता है हमारे नेबर्स को पसंद आए, वो वहाँ से ले गए, हमने अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया, वो वहाँ ले गए, तो वो सीड्स जो है हमारे घर से भी आगे कहीं स्प्रेड हो गई. मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दे दीज सीड्स दीज प्लांट डिड नॉट ग्रो देयर अर्लियर. ठीक है. और कुछ सालों के बाद कुछ प्लांट्स, बेटा जैसे अभी आप छोटे हो, अभी आप देखोगे अपने गार्डन में कोई मैंगो का प्लांट लगा, आपको नहीं पता किसने लगाया, हो सकता है दादू ने लगाया, या हो सकता है कोई और लोग वहाँ आए थे, बाई चांस वो सीड वहाँ गिर गई और वो प्लांट लग गया. तो एग्जैक्ट वो कहाँ पर आया, कैसे आया, हमें तो पता भी नहीं होता, हम भूल भी जाते हैं, बस हमें ये पता है कि वो हमारे गार्डन में लगा हुआ है. दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स. तो ये कहाँ से, ये एक्चुअली कहीं और से लाए जाते हैं. Do you know from where chilies came to our countries? तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपको पता है chilies जो है हमारी कंट्री में कहाँ से आई थी? These were brought to India by traders coming from South America. Today we cannot think of food without chilies. ठीक है. तो ये कहाँ से आई थी? They came from South America. और आज हम सोचें कि हमारे, हम तो बोलते हैं हमारे किचन गार्डन में मिर्ची लगी, हम उसको वहाँ से लेकर आए हैं. तो जो चिलीज हैं वो इंडिया की नहीं है, वो साउथ अमेरिका से आई हुई हैं. अब इस पोइम के थ्रू हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो हमारे अपनी कंट्री के हैं, और कौन से हैं जो हमने दूसरी कंट्री से लिए हुए हैं. ठीक है. तो अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं बेटे. फ्रॉम साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका से क्या है? लॉन्ग अगो केम टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली. तो साउथ अमेरिका से क्या क्या आया? लॉन्ग अगो आया, बहुत पहले से क्या आया था? टोमेटो, पोटैटो और चिलीज. और कैबेज और पी कहाँ से आई? फ्रॉम यूरोप. ठीक है. ये दो चीज़ें आई हमारे पास यूरोप से.
फिर आया हमारे पास अफ्रीका से आया कॉफी बीन्स एंड भिंडी। तो ये जो साइड है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये शो कर रही है वो सारे मटेरियल जो हमारी कंट्री के नहीं है, बट दे हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट इज साउथ अमेरिका से टोमेटो पोटैटो चिल्ली, कैबेज एंड पी फ्रॉम यूरोप, कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी फ्रॉम अफ्रीका। नाउ कैसे आए ये? दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। ठीक है, इन्होंने लैंड क्रॉस किया, सी क्रॉस की, और फिर ये यहाँ पे पहुँचे हैं। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट इज़ कि हमारी अपनी कंट्री का क्या है, मैंगो सैंग कम इन एंड ऑरेंज स्माइल इन साइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड, द मेथी एंड स्पिनिच ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड। मतलब वेलकम किया किसने, मैंगो ऑरेंज बनाना ने, और मेथी स्पिनिच ब्रिंजल रेडिश सब ने उनके साथ अपना सर हिलाया, मतलब सबने मिलकर के सबका वेलकम किया। हम वेलकम कौन करता है बेटा, जो हम अपने घर में होते हैं तब लोगों को वेलकम बोलते हैं कि आइए हमारे घर में आइए। तो इस तरह से ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अगर वेलकम किया दैट मीन्स दे आर फ्रॉम इंडिया। नाउ रिलेटेड टू दिस वी विल रीड इट आउट दैट एक और चीज़ जो यहाँ पे है कि भिंडी को और क्या बोलते हैं, ओकरा, और मिट्टी को बोलते हैं फेन्यूग्रीक। ठीक है, नाउ रिलेटेड टू दिस वी विल रीड आउट सर्टेन क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट वाज ऑल ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, कि इंडिया में बहुत पहले क्या क्या उगाया जाता था। ठीक है, और इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, इंडिया में सबसे पहले क्या क्या उगाया जाता था, दिस ऑल मैंगो, यह मैंगो ऑरेंज देन बनाना मेथी स्पिनच ब्रिंजल, ये सारे इंडिया में ही ग्रो किए जाते थे। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, वर मैंगोज एंड ऑरेंजेस बनाना ग्रोन है, क्या इन मैंगोज और ऑरेंजेस को यहाँ उगाया जाता था, यहाँ से मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यस, मैंगोज एंड ऑरेंजेस वर ग्रोन हेयर। सो आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसमें पूछ रहे हैं, व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्री, तो अदर कंट्री से क्या चीज़ आए विदाउट फूड विदाउट पोटैटोज, और क्या चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्री से आई, तो दूसरी कंट्री से हमारे आए ये सारी चीज़ें, तो आप इन सब का नाम लिख सकते हो, दैट इज़ टोमेटो पोटैटो चिलीज कैबेज एंड पी देन कॉफ़ी बीन एंड भिंडी, दे केम फ्रॉम अदर कंट्रीज। एंड नाउ थिंक, क्या हम सोच सकते हैं कि इन सब के बिना हमारा खाना पूरा हो सकता है? नो, वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट ऑल दीज फूड आइटम्स। ठीक है, कोई इसलिए हमें हर चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अगर हमारे खाने में चिलीज नहीं होंगी, फूड में मसाला नहीं होगा, या कोई भिंडी हमें बहुत फेवरेट है अगर वो यहाँ नहीं होती तो हम क्या खाते। सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ थिंकिंग कि हर चीज़ हमारे पास नहीं थी बट स्टिल दे हैव कम, एंड हाउ दे हैव कम, थ्रू देयर सीड्स, जिनकी वॉन्डरिंग ऑफ द सीड्स हुई, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ द सीड्स हुई, उसको लेकर आए और वो हमने अपने इंडिया में लगाया। नेक्स्ट पार्ट, नाउ इट इज़ रिकैप्चुलेशन पॉइंट दैट कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उससे रिलेटेड। यहाँ पे रीना हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ सीड स्प्राउटेड बाय हर्ट, ये उसने पिक्चर बना रखी है बेटा। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जो उसने बनाया स्प्राउटेड सीड की, कि सीड बनी हुई है और उसके ऊपर एक स्प्राउट निकला हुआ है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग, आपसे पूछा जा रहा है कि सीड को स्प्राउटिंग के लिए क्या चाहिए, मतलब सीड तो पहले इतनी होती है ग्रीन पार्ट उसका जो निकलता है उसके लिए क्या चाहिए होता है बेटा। तो जब हमने चने भिगोए थे तो उसमें क्या सीखा था कि उसको चाहिए होता है, इट नीड्स एयर एंड वाटर। ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए होती तब वो सीड जो है स्प्राउट करता है, राइट। अब नेक्स्ट इसमें पूछा है, हाउ वुड रीना सीड लुक इफ इट डिड नॉट गेट दीज थिंग्स नीडेड, कि उसकी सीड्स कैसे नजर आएंगी अगर उसको ये सब कुछ नहीं दिया। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें थर्ड जो बाउल था जिसमें हमने ना कॉटन रखा था ना ही उसमें पानी डाला था, उसको कवर कर दिया था, मतलब जैसे चने सूखे होते हैं वो वैसे के वैसे नजर आएंगे। सो यू कैन ड्रॉ दिस सिमिलर टू दिस, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, बट आपको उसमें स्प्राउट नहीं शो करना है। तो दिस विल बी द शेप कि अगर उन सीड्स को पानी और एयर या जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज़ एयर एंड वाटर अगर नहीं मिलेगा तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे हम सूखे देखते हैं उन्हें। ठीक है, देन ये आपको बनाना है पिक्चर, तो ये हमने इसकी ड्राइंग बना दी। नाउ द लास्ट पार्ट इज हाउ डू सीड स्प्रेड फार ऑफ प्लेसेस राइट इन योर वर्ड्स, तो आपसे बोला जा रहा है कि बताओ कि सीड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं। तो बेटा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, थ्रू डिफरेंट एजेंट्स ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स। और डिफरेंट एजेंट्स कौन कौन से हैं बेटे, दे आर फर्स्ट
एनिमल, ठीक है, एनिमल से कैसे जाती है, बाय स्टिकिंग और बाय ईटिंग, ठीक है, उनके कप उनके बॉडी से लग जाएगी या फिर वो उसको खाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, उससे हो जाता है. नेक्स्ट वन इज बर्ड्स. बर्ड्स कैसे स्प्रेड करते हैं, अगेन बाय ईटिंग सम ऑफ द फ्रूट्स, और फिर वो बीच में कहीं छोड़ देते हैं या आधा खाया हुआ उसको अगर कहीं फेंक देंगे तो उसकी सीड्स जो है वहाँ लग जाती हैं. नेक्स्ट इज बाय वाटर, ठीक है, तो वाटर से कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉटन है विच इज़ लाइट इन वेट, तो लाइट कॉटन विच इज लाइट इन वेट, ठीक है, ये जो है लाइट वेट, ये उड़ करके विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, इसको कौन हेल्प करेगा, एयर हेल्प करेगी, और फिर ये क्या करेंगे, पानी में गिरता है कहीं और जाता है, ये हवा से उड़ के पहुंच सकता है. तो ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट की एयर से जाएगा, ठीक है. और जो हमने अभी किया था दैट इज वाटर. वाटर से क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स होते हैं जैसे कोकोनट हो गया जो पानी के पास लगते हैं, उनकी सीड्स जो है पानी में गिर जाएंगी. ज़रूरी नहीं है कोकोनट, हो सकता है आपने मैंगो खाया और मैंगो की सीड पानी में फेंक दी, तो पानी के बहाव से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है. सो इट इज़ विद द फ्लो ऑफ वाटर की सीड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, ठीक है. और लास्ट वाला तो हम लिख चुके हैं, जैसे कॉटन या लाइट वेट सीड्स जो होती हैं दे विल गो विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड, की इतनी हल्की होंगी कि हवा और उससे उड़ जाएंगी, ठीक है. इस तरह से जो है हमारा सीड डिस्पर्सल होता है. दिस इज ऑल व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ कि हाउ डज द सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस. तो इसमें जो सीड डिस्पर्सल है, इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू टू नो इज व्हाट इज सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल क्या होता है बेटा, हम एक इसमें इसको एक लाइन में डिस्पर्सल ऑफ सीड को अगर डिफाइन करेंगे, दैट इज द स्प्रेडिंग ऑफ, स्प्रेडिंग किसकी, ऑफ सीड्स, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स विद द हेल्प ऑफ. अब स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स अपने आप तो नहीं होगी, कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ, ये जो हमने ऊपर एजेंट्स लिखे विद द हेल्प ऑफ एनिमल कॉमा बर्ड्स कॉमा एयर और वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्प्रेडिंग कहाँ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है, इसको डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कह दो या वॉन्डरिंग ऑफ सीड्स कह दो, जैसे आपको ठीक लगता है दैट यू कैन से. सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है. दिस इज योर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. क्लियर बेटा, इतना समझ आ गया. यहाँ पे हमने एनिमल्स की डिस्पर्सल भी कर ली और इनके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. इस चैप्टर में जो आपने नई चीज़ पढ़ी है दैट इज़ द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, जिसको आपने वॉन्डरिंग ऑफ सीड्स के नाम से पढ़ा, बट दैट मीन्स द सेम थिंग, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है. सो गो थ्रू इट एंड जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इज कि स्प्राउटिंग के लिए या जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, दूसरा स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स कैसे होती है, और अगर स्प्रेडिंग ना हो तो क्या होगा, द प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो बिकॉज उनको वहाँ पे सर्वाइवल कंडीशन सर्वाइवल न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. टेक केयर एंड बाय एवरीवन.